पश्चिमी राजस्थान की धरती पर वीर नारायण परमार द्वारा 1077 ईस्वी में बनाए गए दुर्ग जो अब हजार साल बाद जो है जर्जर हो चुका है और जर्जर की मरम्मत करवाने के लिए पर्यटन विभाग जो है लगातार जो है कार्य करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर आज भी जो है बोझा ढोने के लिए जो पुराने जो जानवर होते थे उनका उपयोग लिया जा रहा है क्योंकि जो संसाधन है वो अत्यधिक हो चुके हैं लेकिन आज भी इनका प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये लुप्त प्रजाति की ओर जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो है अब हमारे क्षेत्र में कम देखने को मिलते हैं और ये जो है लोगों ने बाहर से जो है मंगवाए हैं। बताया जा रहा है कि ये भाई साहब जो यहाँ लेकर आए हैं इनके पास करीब ऐसे 6 से 7 जानवर है और ये पुष्कर से आए हैं। तो बता दूं हम इनसे बात करेंगे कि ये कब से इस कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, क्या इनका नाम है, कैसा क्या नाम है आपका? अच्छा भाई कहाँ से हो आप? पुष्कर। ये आपके कितने जानवर है, कितने टाइम से आप इसके प्रकार का काम कर रहे हैं? 20 से 25 साल हो गए। अच्छा और 6 जानवर। अच्छा इस पे क्या क्या लेके जाते हो, कहाँ कहाँ तक आपने क्या क्या? सीमेंट, बजरी, ईंटें, पत्थर, जो भी सामान चीज ले जाते हैं, पानी वगैरह सब चल जाता है। मतलब इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपने कार्य किए, जैसे बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, यहाँ ये दुर्ग है, इसकी ऊंचाई है, तो बाकी और कहाँ कहाँ? बाकी मैं नहीं गया, बाकी दूसरों को भेजा है मैंने। अच्छा तो आपके क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य होता है या? अजमेर पुष्कर। अच्छा ऐसे और जानवर आपके पास खुद के पास कितने हैं? मेरे पास तो ये 6 ही है, बाकी उधर हमारे 200-250 जानवर है, ज्यादा ही होंगे चलते हैं अजमेर के अंदर। तो इनके क्या दिहाड़ी, आपको क्या दिहाड़ी मिलती होगी इनकी? ये 1500-2000 मिलते हैं। पर दिन के या पर चक्कर के? दिन के। तो फिर आप दिन में कितने चक्कर कर लेते हैं? 4-5 चक्कर करते हैं। अच्छा एक पे कितना वजन अपन लगा सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक जानवर पर आप कितना वजन रख सकते हैं? 80 किलो। 80 किलो वजन एक पर रख सकते हैं। अच्छा आपके जीवन का जैसे आप बता रहे 25 साल हो चुके हैं, 25 साल में मतलब आप यही कार्य कर रहे हैं और भी कोई कार्य? नहीं यही कर रहा हूँ। इसी से परिवार चलता है? नहीं छोटा था नहीं तो बकरे वगैरह चलाते थे पहाड़ के ऊपर अजमेर के अंदर। अब बकरी वगैरह नहीं चलाते? अब नहीं चलाते। अब है बकरी वगैरह है अपने? अब नहीं है। अच्छा अब केवल यही जानवर है? यही जानवर। और क्या संसाधन है आपके पास? जैसे घोड़ी है, दो घोड़ी है। देखिए आज भी इनका जो जीवन व्यापन है वो इनके सहाय होता है क्योंकि इनकी दिहाड़ी मजदूरी जो है वो 1500-2000 मिलती है और इन जानवरों को खिलाने के बाद जो भी मजदूरी बचती है उसके बाद ये अपने परिवार में लेकर जाते हैं। तो देखिए जो लुप्त प्रजाति है उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और जरूर कदम उठाने चाहिए।